लेबनान पर हमला करने से पहले इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि गाजा में हमास का सफाया हो चुका है और अब वो 7 अक्टूबर जैसा हमला करने के लायक नहीं बचा। और उनके इसी बयान के बाद इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गाजा में हमास एक बार फिर लौट आया है। और हमास फिर से आईडीएफ को दहला रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमास के उन हालिया हमलों की जिसमें आईडीएफ को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हमास ने उत्तरी जबालिया कैंप में इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिसमें आईडीएफ को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। अलकासिम का कहना है कि उसने आईडीएफ की पैदल सेना यूनिट और उनके 12 सैन्य वाहन को अपने जाल में फंसा कर उस पर हमला किया। अलकासिम का कहना है कि जैसे ही आईडीएफ का काफिला उसकी तय जगह पर पहुंचा, उस वक्त जवानों से भरे आईडीएफ के ट्रकों को शहवाज विस्फोटकों से उड़ा दिया गया और इस हमले के तुरंत बाद आईडीएफ की जीप पर भी टैंडेम रॉकेट से हमला हुआ है। इस हमले के बाद अलकासिम के लड़ाके मुठभेड़ वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने वहां मौजूद बाकी बचे आईडीएफ के जवानों पर बेहद ही करीब से हमला किया। अलकासिम का कहना है कि इसी दौरान आईडीएफ का एक समूह पास की एक बिल्डिंग में छिपने के लिए भागा, लेकिन उनके ऊपर भी एंटी पर्सनल विस्फोटक से हमला किया गया। आपको बता दें कि अलकासिम ब्रिगेड ने जबालिया कैंप हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो पश्चिमी जबालिया के अलसफ्तावी जंक्शन का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से खुद को तैयार करते हैं और इसके बाद एक खंडहर पड़ी इमारत में छिपकर दूर आईडीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और इसी बीच आईडीएफ का एक मरकावा टैंक नजर आता है जिस पर अलकासिम का लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ और इस हमले के तुरंत बाद अलकासिम के लड़ाके वहां से भाग निकलते हैं। अलकासिम का कहना है कि उसने आईडीएफ के 4 मरकावा टैंकों पर ऐसे ही हमला किया है। अलकासिम के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर जैसे ही आईडीएफ के 2 और मरकावा टैंक पहुंचे, शहवाज विस्फोटकों से हमला किया गया। अलकासिम का दावा है कि उसके हमलों में आईडीएफ के 3 जवान मारे गए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने भी गुरुवार को मारे गए सैनिकों की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई के बीच 3 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं, जहां सेना ने हमास को क्षेत्र से खुद को फिर से स्थापित करने से रोकने के लिए इस सप्ताह एक नया जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था। ये तीनों रिजर्व सैनिक 460वीं ब्रिगेड की 5460वीं सहायता इकाई के सैनिक थे। वहीं हमलों के बीच अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी जबालिया में आईडीएफ पर हैवी कैलिबर मोटर रॉकेट से हमला किया। अल मुजाहिदीन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक लड़ाका हरियाली के पीछे छिपकर रॉकेट फायर कर रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हमास गाजा के भीतर आईडीएफ पर भीषण हमले कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ अलकुद्स ब्रिगेड के निशाने पर थी। दरअसल अलकुद्स का दावा है कि उसने वेस्ट बैंक के तुलकारम के नूर शाम्स कैंप में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा अटैक किया। ये हमला आईईडी विस्फोटक के जरिए हुआ। अलकुद्स के मुताबिक उसने अपने हमले में आईडीएफ के कई वाहनों के रास्ते में आईईडी बिछा दिया और जैसे ही ये वाहन वहां से गुजरे, आईईडी में धमाके होने लगे। अलकुद्स ने ये विस्फोटक तुलकारम के अनाप्ता और नबलो स्ट्रीट्स पर बिछाए थे। और नूर शैम्स के इसी इलाके में अलकुद्स ने आईडीएफ को कई फ्रंट से घेर कर उस पर हमला किया। आपको बता दें कि अलकुद्स ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो वेस्ट बैंक में जेनिन के अलदम्ज इलाके का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुद्स का लड़ाका
नक्शे पर आईडीएफ के रूट को चिन्हित कर रहा है। इसके बाद इन रास्तों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाती है और जैसे ही आईडीएफ के जवान वहां से गुजरते हैं, अलकुज उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। इसके बाद वीडियो में आईडीएफ के कुछ सैनिक नजर आते हैं जो एक स्ट्रेचर पर एक घायल सैनिक को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके बाद खुले मैदान में आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो उन सैनिकों को रेस्क्यू करके वहां से उड़ जाता है।